pleasures come, we must never stop the world. राजस्थानी कचौड़ी, प्याज वाली कचौड़ी, बेसिकली जो अजमेर की फेमस है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बनाते हैं प्याज वाली कचौड़ियां और जल्दी से मिलते हैं मेरे किचन के अंदर। सो गाइस, इंग्रेडिएंट जो आज हम यूज़ करने वाले हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे कुछ होल स्पाइसेस, हमारी कुछ मसाले ऐसे हैं जो मैं इसका मसाला भी बना के दिखाऊंगा आपको। जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, जीरा, सौंफ, होल कोरिएंडर, थोड़ा सा मैंने क्यूमिन यूज़ कर रहा हूँ, ग्रीन चिलीज़ हैं, थोड़ा सा हींग है, इसमें बॉयल्ड पोटैटोज है जो मैंने कट करके रखे हैं। बताऊँगा ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि हम प्याज की कचौड़ी बना रहे हैं, उसमें आलू क्यों डालने ज़रूरी है उसका भी रीज़न बताऊँगा आगे वीडियो में। कोरिएंडर चॉप करके रखा हुआ है, चॉप जिंजर है हमारे पास, और चॉप अनियन जो बेस है हमारा कचौड़ियों का। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बनाते हैं अपनी फेमस राजस्थानी कचौड़ी। कचौड़ी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं हमारे एक मसाला, जिसमें हम यूज़ करेंगे हमारे कोरिएंडर, सौंफ यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। सौंफ आपको थोड़ी ज़्यादा यूज़ करनी है, बिकॉज कचौड़ी में सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम यूज़ करेंगे हमारा जीरा और थोड़ा अजवाइन, इन चारों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे पैन पे। सो गाइस, हमारा मसाला हो चुका है रेडी। सो फटाफट से इसको करता हूँ ग्राइंड और फिर वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, इसके अंदर अभी मसाला हमने पीस तो दिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा इसके अंदर हम अमचूर पाउडर को ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ा टैंगीनेस चाहिए हमें और टैंगीनेस इस चीज़ से हमें मिल जाएगी। अब इसको थोड़ा दोबारा से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे हमारा चॉप किया हुआ जिंजर, हमारे अच्छे से इसमें डालेंगे हमारी ग्रीन चिली, और ग्रीन चिली डालने के एक सेकंड के अंदर ही आपको ना, जो हमने मसाला बना के रखा था, ये मसाला इसमें ऐड करना है। ये करीब आपको 3 से 3.5 टेबल स्पून आपको ये डालना पड़ेगा मसाला, क्योंकि इसका बेस ही है कचौड़ियों का। ज़्यादा कुक नहीं करना वरना मसाला जलना शुरू हो जाएगा। ये डालते ही इसमें हम अपने अनियंस को ऐड कर देंगे। तो गाइस, अनियन डाल के मैंने मिक्स किया है और फिर तुरंत बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ हींग। हींग आपको इतनी यूज़ करनी है जितनी आप अपनी नॉर्मल आलू की सब्ज़ी में यूज़ करते हो, अराउंड आपका 1 टीस्पून। तो 1 टीस्पून से हींग डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हींग मैंने बाद में क्यों डाली, इसका रीज़न है क्योंकि जब हम फिलिंग इसकी बनाते हैं, आपने कभी प्याज की कचौड़ियाँ खाई होगी तो आपको एक हींग का अलग फ्लेवर आया होगा। फ्लेवर इसीलिए आता है बिकॉज उसको हम बाद में यूज़ करते हैं, थोड़ा रॉ फ्लेवर आना चाहिए उसका, तो सब अच्छे से कुक कर लेंगे। सो गाइस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हम जो इसके अंदर पोटैटोज हमने यूज़ करने वाले हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, आपको दिखेगा इसके अंदर बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अलग अलग टूट रहा है मसाला, एक बिल्कुल बाइंडिंग नहीं आई है। वो बाइंडिंग देने के लिए अब हम यूज़ करेंगे अपने पोटैटोज अच्छे से, साथ में इसे कुक करेंगे पोटैटोज के, ताकि अच्छा बाइंड मिल जाए हमारे मसाले से। ये अच्छे से मिक्स कर लिया हमने, अब इसमें हम डालेंगे अपना सॉल्ट। सॉल्ट हमें हिसाब से डालना है क्योंकि हमारे आटे में ऑलरेडी सॉल्ट है, तो ज्यादा सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर इसमें ऐड करेंगे हम, थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए इसको, हल्का सा ब्लैक पेपर जाएगा ताकि अच्छा ब्लैक कलर भी आ जाए, दूसरा थोड़ा स्पाइसीनेस आ जाए। अब कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बिकॉज अगर ज़्यादा कुक करेंगे तो जो प्याज का जो रॉनेस है ना वो चला जाएगा, इसलिए मैंने गैस कर दिया बंद
उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स और कर रहा हूँ ताकि एक अच्छा सा बाइंड और मिल जाए। ऑलरेडी अच्छा बाइंड आ चुका है, आपको दिखेगा ये स्टिकी हो चुका है। सो अब इसको कर दिया बंद, इसमें ऐड करते हैं हमारा कोरिएंडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो आगे बढ़ाते हैं, इसे छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए और फिर मिलते हैं वीडियो में आगे। सो गाइस, हमारा जो मिक्सचर बनाया था हमने कचौड़ी के लिए वो हो चुका है रेडी, ठंडा हो चुका है अच्छे से। अब करते हैं इसकी फिलिंग। सो गाइस, जो फिलिंग का ये मैंने आटा लगाया हुआ है, ये आटा इसकी मैंने रेसिपी, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर रखी है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप ये वीडियो देख के ये आटा लगाना सीख सकते हैं। तो फटाफट से करते हैं अपनी कचौड़ी की फिलिंग। सेंटर से थोड़ी मोटी करनी है और साइड से पतली करनी है। स्ट्रेच कर सकते हैं इसे हाथ से, करते हैं इसके अंदर की फिलिंग। ये अच्छे से लॉक करनी है, अदरवाइज फिलिंग बाहर आ सकती है। तो कुछ इस तरीके से बनी हमारी कचौड़ी। थोड़े से पीसेस और बनाते हैं और इसको फिर फ्राई करते हैं। सो गाइस, हमने जो कचौड़ियाँ थी वो बना के रख ली हैं। सो कुछ इस तरीके से बनी हमारी कचौड़ियाँ। सो तेल हो चुका है गरम। तेल का एक चीज़ आपको बता देता हूँ, तेल हमेशा आप जो भी यूज़ करोगे उसे सिम गैस पे रखना है, ज़्यादा तेज़ होगा तो ये फट सकती है। सो गाइस, हमारे बन चुके हैं कचौड़ियाँ प्याज वाली। आपको दिखाता हूँ मैं इसका क्रस्ट, अच्छा हैवी क्रस्ट आ चुका है और अब इसको चटनी के साथ आप खा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।